गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बहुत ही मजा आने वाला है, जबरदस्त, क्योंकि आज मैं पहली बार फेसबुक लाइव पे आ रहा हूं। और फेसबुक लाइव पे आने का मेरा जो मकसद है, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 20 साल 20 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2020, और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करते हुए 20 साल 20 दिन हो चुके हैं। दिसंबर 99 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, और हिंदुस्तान के आज करोड़ों नेटवर्कर ऐसे हैं जो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में किया जाए तो किया जाए। और मैंने भी 3 साल मल्टीनेशनल कंपनी करी, 4 साल अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की, और उसके बाद मेरी जिंदगी का 14 साल लगभग मैंने बाइनरी करी। आज लगभग 20 साल 20 दिन के बाद बहुत सारी मार्केट कंफ्यूज है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया पिछले 20 साल से फुल टाइम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को करना। ये इतना आसान नहीं था, आज मेरी जो भी सक्सेस है इसको लेना इतना आसान नहीं था। मेरा आज फेसबुक लाइव पे आने का मेन कारण यह है कि मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को बता सकूं कि जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल 20 दिन में जो अचीवमेंट नेटवर्क मार्केटिंग से लिए, उन अचीवमेंट्स को लेने के लिए आपको 20 साल ना लगे, आप उन अचीवमेंट्स को 3 से 5 साल में ले सकें। आज से 3.5 साल पहले मैंने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और मैं एक्साइटेड हूं बताने के लिए कि आखिर मैंने 3.5 साल पहले, इससे पहले मैंने, जब मैं पहले बाइनरी कंपनी में था, 2010 में मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग से मर्सिडीज ली, 2012 में मेरे पास BMW थी, 2010 में भी मैं लगभग 12-13 लाख रुपए महीना कमाया करता था बाइनरी कंसेप्ट से। फाइनली उस समय हमें माना जाता था कि यार बाइनरी में पैसे ज्यादा होते हैं, बाइनरी एक बहुत बढ़िया चीज होती है, उस जमाने का दौर होता था 2007-8-9-10 का जमाना। और फिर लोग मुझसे कहते हैं, हरी जी बाइनरी छोड़ के आप जनरेशन में कैसे आ गए, वेस्टिज क्यों कर लिया आपने? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वेस्टिज क्यों की। मैं एक ही चीज पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, और आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके समझोगे जो मैं पूछना चाह रहा हूं, किसी भी चीज का फ्यूचर देखने का क्या तरीका है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसको आखिर हम कैसे जान पाएंगे? भाई हर व्यक्ति कहता, एक व्यक्ति नेटवर्कर आता है वो कहता है मेरी वाली कंपनी बहुत अच्छी है, दूसरा नेटवर्कर आता है वो कहता है भाई साहब मेरी वाली कंपनी बड़ी अच्छी है, तीसरा आता है वो कहता है मेरी वाली बड़ी अच्छी है। तो मार्केट कुल मिला के बड़ी कंफ्यूज है, एक नया आदमी बेचारा करे तो करेगा, भी हमारे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है दूसरों के अनुभवों से हम सीख लें, एक तरीका होता है खुद भी हम 20 साल लगाए उस चीज को। तो समझदारी मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी आप भी मानते हो कि समझदारी उसमें है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें। तो फाइनली मैं मुद्दे पे आता हूं कि मैंने वेस्टिज क्यों की। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि किसी भी चीज का भविष्य देखने का क्या तरीका, आप कैसे पता करोगे कि कोई डॉक्टर अच्छा है? ऑफकोर्स आप ये कहोगे मैं उसका पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे, कैसे पता लगेगा डॉक्टर अच्छा है? ऑफकोर्स उसका पास्ट और प्रेजेंट देखोगे आप। आप कैसे मानोगे कि ये स्कूल बड़ा अच्छा है? उसका पास्ट और प्रेजेंट, उसका पास्ट और प्रेजेंट देखोगे आप कि डॉक्टर अच्छा है, भी उसका पास्ट बड़ा अच्छा रहा है। आपने हंसी वाली बात भी है और नहीं भी शादी करनी है भाई बहन की, अपनी किसी की भी, तो लड़का या लड़की देखने जाते हैं, कैसे पता चलते हैं अच्छा है? आप उसका ऑफकोर्स पास्ट और प्रेजेंट देखोगे। किसी भी चीज का पास्ट, सैमसंग का मोबाइल अच्छा है किसने बताया? उसके पास्ट और प्रेजेंट ने। स्कूल अच्छा है किसने बताया? उसके पास्ट और प्रेजेंट ने। डॉक्टर अच्छा है किसने बताया? पास्टर प्रेजेंट ने। कोई कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसका फ्यूचर या वो अच्छा है या नहीं है, एक ही तरीका है हम सबके पास देखने का, और वो है उसका पास्ट और उसका प्रेजेंट। तो वेस्टीज का पास्ट देख लेते हैं। जब 3.5 साल पहले मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, बहुत सारा देखा कि यार फ्यूचर कहाँ है, करियर कहाँ है, मैं 17 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के। 20 साल पहले मुझे बताया गया कि टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग से, कुछ साल काम करो फिर काम नहीं करो पैसे आते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की दशा बता दूं आपको, हिंदुस्तान की दशा यह है कि एक कंपनी फिर दूसरी कंपनी फिर ये वाली अच्छी है, कुछ इस तरीके से चलता रहा, एक सिक्योर इनकम की आप एक रिलैक्स लाइफ नहीं हुई।
तो 3.5 साल पहले जब हमारी मुलाकात मेरे स्पॉन्सर मिस्टर पवन मलिक जी और मैं जब मुलाकात करी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली जी से, तो हमने उनसे पूछा कि वेस्टेज क्यों की जाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा हरी जी कितने साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो 3.5 साल पहले मैंने उनसे कहा कि लगभग 17 साल हो गए। बोले हरी जी नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए क्यों? मैंने कहा हमें यह बताया गया था टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, 3 से 5 साल काम करो फिर काम नहीं करो आता रहेगा। तो उन्होंने एक लाइन में मुझे, 3 लाइनें मुझे जो बड़ी क्लिक करी, जब 3 लाइनें मैंने सुन के वेस्टीज को करने का डिसीजन लिया था, सिर्फ 3 लाइनें। मैं कारण आपको 30 कारण बताऊंगा, लेकिन पहले मैं 3 लाइनें बताऊंगा जिन 3 लाइनों से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उन्होंने बताया वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अगर मैं आज के हिसाब से आपसे बात करूं कि वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर 1 लाख महीने से लेकर 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं, यानी कि प्रूवन कंपनी है। दूसरी लाइन जो बड़ी इंस्पायर करी, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी 99.99% लीडरशिप कभी इसको छोड़ के नहीं गई। आप किसी भी कंपनी के हो और किसी भी कंपनी को आप देखना, मैं हर नेटवर्कर से, हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं कोई भी हो, क्या हम उसको छोड़ने के लिए ज्वाइन करते हैं कि हम इसको 6 से 12 महीने करेंगे फिर हम दूसरी करेंगे, फिर 1 साल इस कंपनी को करेंगे फिर दूसरी करेंगे, फिर 2 साल करेंगे फिर तीसरी करेंगे? ऐसा कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि नेटवर्क बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं है, और कोई भी व्यक्ति कंपनी बदलना नहीं चाहता। यानी कि कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण लीडर छोड़ के जाते हैं, कोई ना कोई कारण तो होता है। वेस्टीज को 99.99% लीडरशिप छोड़ के क्यों नहीं गई? गौतम वाली से रिश्तेदारी तो नहीं हो सकती ना। तो एक बड़ा लीडर बताइए आप वेस्टीज का पिछले 15 सालों में, एक बड़ा लीडर जो वेस्टीज को छोड़ के गया, एक बड़ा लीडर। और मैं हजारों सैकड़ों कंपनियां बता सकता हूं जिसके उसके टॉप लीडर इंडिया के उस कंपनी को छोड़ के गए हैं। मैं उनके नाम तक जानता हूं, लीडर्स के नाम जानता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, मैं बताने आया हूं वेस्टीज क्योंकि। तीसरी लाइन जो मुझे बड़ी इंस्पायर की, मतलब दूसरी लाइन जो 99.99% लीडरशिप छोड़ के नहीं गई, इसका मतलब यह हुआ कि वेस्टीज के अंदर जो भी लीडरशिप है वो सेटिस्फाइड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए छोड़ के नहीं गई। और तीसरी लाइन बड़े मजे की बात मुझे जब लगा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, तीसरी लाइन थी वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसने 15 साल में अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। मैं सोच रहा था एक बात कि 15 साल पहले जब कंपनी डिजाइन हुई होगी, इस कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद डायरेक्टर्स, मिस्टर कवरवीर सिंह जी, इन्होंने क्या सोचा होगा उस समय कि क्या प्लानिंग होगी, कितना बड़ा विजन होगा इनका कि हमें कभी प्लान चेंज ना करना पड़े, और इस प्लान को किस सोच के साथ, किस थॉट के साथ डिजाइन किया गया कि प्लान कभी ब्रेक ना हो, प्लान के अंदर कभी कैपिंग ना हो, इस प्लान के अंदर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ कमा भी सकते हो, कभी ब्रेक ना हो, और इसको कभी कभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आए तो कभी इसको चेंज ना करना पड़े, इस थॉट के साथ 15 साल पहले प्लान डिजाइन किया गया। और बाकी मैं आपको 27 कारण और बताता हूं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है, दोबारा सुनिएगा मेरी बात, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 15 साल में अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 150 से ज्यादा लोग बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी जगवार कार ले चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है 4000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते 2.5 लाख रुपए महीने का पे आउट है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है हर 4 महीने के अंदर 8 से 10 लोग बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी जगवार ले रहे हैं। हर 4 महीने के अंदर 80 से 100 कार अचीवर्स बनते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है हर महीने लाखों लोग ज्वाइन होते हैं, हर महीने लाखों लोगों का पे आउट आता है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 15 साल में अपना पे आउट एक भी दिन लेट नहीं किया। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी 3 फैक्ट्री हैं, 9 वेयरहाउस हैं, 2800 सेंटर हैं, 47 ब्रांच ऑफिस हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई
स्टेट नहीं है जहां पर इसका ऑफिस ना हो। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे कहते हैं कंपनी। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां 200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेडीज 1 लाख महीने से लेकर 35 लाख रुपए महीना कमाती हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका 18 भाषाओं में लिटरेचर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ये कहे कि मेरा पे आउट नहीं मिला, मैं इस कंपनी को छोड़ गया, कंपनी ने मेरा पैसा नहीं दिया। एक भी लीडर आप लेके आइए जो कंप्लेन करता हो ये वाली। और मैं आपको उन कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन कंपनी को हम छोड़ के आए हैं बॉस, जिन कंपनी को हम छोड़ के आए हैं उन्होंने लाखों रुपए हमारे अपने पास रखे। इसे कहते हैं नीयत खराब होना और वेस्टीज की कहते हैं नीयत अच्छी होना। आज मैं नीयत पे मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, आज मेरा फोटो एक कंपनी के साथ, आज मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, उस कंपनी के किसी लीडर ने या कंपनी ने, मैं नहीं जानता, मेरी फोटो के आगे उस कंपनी का नाम लिखा गया और हर व्हाट्सएप पे डाल गया हरीश जी ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। ऐसे अचीवमेंट लिए जाते हैं, ऐसे लेंगे आप छोटी मोटी कंपनियों की सक्सेस। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं छोटी कंपनियों के मुझे बताना चाहता हूं, उससे पहले बताता हूं वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां जीते जी छोड़िए मरने के बाद भी लोगों को रॉयल्टी इनकम आती है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है 2000 मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर होती है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है हर महीने काम कैसे करना उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। वीएलसी प्रोग्राम बोर्ड डायरेक्टर एंड अबव के लिए वीएलसी प्रोग्राम अलग होते हैं। 4 से 6 वेस्टीज अवार्ड फंक्शन हर महीने 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों के हर महीने 4 से 6 इवेंट होते हैं। यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार यूथ के लिए 5-5, 10-10 हजार यूथ के लिए हर महीने 4 से 6 इवेंट अलग होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लेडीज के लिए हर महीने 4 से 6 इवेंट अलग होते हैं। हेल्थ वर्कशॉप कंपनी ने डॉक्टर्स हायर किए हुए हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है न्यूट्रिशन के अंदर, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। एग्रीकल्चर के ट्रेनर्स अलग हैं, वाटर प्यूरिफायर के ट्रेनर अलग हैं, पर्सनल केयर के ट्रेनर अलग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस है दिल्ली ओखला के अंदर 150 करोड़ रुपए का, इसे कहते हैं कंपनी। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है बॉस जहां जीते जी छोड़िए मरने के बाद भी लोगों को रॉयल्टी इनकम आ रही है। मैं ऐसा एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूं कि लोग जब इस दुनिया से गए 7 लाख का पे आउट था मिस्टर मोहंती, और आज 2.5 साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उनकी फैमिली को 10-10, 11-11 लाख रुपए महीने के पे आउट आ रहे हैं। मरने के बाद लाखों रुपए के पे आउट, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। और जब मुझसे लोग ये बात पूछते हैं कि हरीश जी कंपनी पुरानी हो गई, 13 साल इस कंपनी ने पिछले साल टर्नओवर किया लगभग 1850 करोड़ का, अगले 6 साल में यह कंपनी टर्नओवर करने जा रही है 20,000 करोड़, यानी कि ठीक 6 साल बाद यह कंपनी 10 गुना बड़ी हो जाएगी। ऐसी कंपनी लाओ तो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और मेरा सवाल है, मेरा हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर से एक सवाल है, और वो सवाल यह है जब कोई कहता है प्रोडक्ट ऐसा है, जब कोई कहता है प्लान ऐसा है, अगर इसके प्लान में दम नहीं है तो मेरा भी तो एक सवाल है भाई साहब। मेरा सवाल यह है कि अगर इसके प्लान में पैसा कम है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अचीवर 1 करोड़ महीना कमाने वाला वेस्टीज में क्यों है, मेरा भी तो सवाल है आपसे। अगर इसके प्लान में दम नहीं है तो यह कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी क्यों है, मेरा भी तो सवाल है आपसे। काम बताइए भाई, कोई ना कोई कारण तो है ये इंडिया की नंबर 1 है, बाकी क्यों नहीं। इससे पहले ये तो 2004 में वेस्टीज आई और 1996 से एमएलएम इंडिया के अंदर चल रही है। चंदूचूरण कंपनी, मुझे लोग कहते हैं प्रोफाइल हरीश जी, आज से 15 साल पहले लोग पता कैसे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते थे, लोग कैसे ज्वाइन करते थे 15 साल पहले, लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ज्वाइन करते थे, हरीश जी एक कंपनी आई है उत्तराखंड से, दिल्ली से, और पहली ज्वाइनिंग आपकी लगा देंगे, लोग ज्वाइन कर जाते थे। जमाने गए वो, आज लोग कहते हैं, आज से 5 साल पहले, भाई साहब ये ना बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसकी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये ना बहुत बड़ा है, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसकी एमएलएम है। इस बात का कंपनी की प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो बड़ा कितना बड़ा इंजीनियर है, या उसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या कितना बड़ा बिजनेस है, बिजनेसमैन है। इसका नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफाइल से कहीं लेना देना नहीं है। आप पूछोगे कैसे, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। आप फ्लाइट में बैठे दिल्ली से मुंबई,
अब फ्लाइट पे बैठे एक है पायलट एक है को पायलट। जैसी फ्लाइट उड़ी और एयर होस्टेस ने अनाउंस किया भी फ्लाइट की जो कैप्टन है उनकी जो है तबीयत खराब हो गई, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, हमारी फ्लाइट में अमिताभ बच्चन बैठे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म स्टार, अब ये जी हवाई जहाज उड़ाएंगे। आप बैठेंगे उस फ्लाइट में, बैठना पसंद करेंगे? शायद नहीं। क्यों? अमिताभ बच्चन फ्लाइट उड़ा रहा, फिर क्या प्रॉब्लम है? अमिताभ बच्चन एक अच्छा एक्टर है, वो हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते। तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उसका नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस क्या है उससे प्रोफाइल मैटर करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया। मैं एक ही चीज पहले बताना चाहता हूं, देखो दो चीज मुझे याद रहती है, एक मुझे याद रहता है मरना पक्का है, 100% हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए मरना पक्का है। दूसरा याद रखना चाहिए जो भागने की ताकत हम में आज है ये कल कम होगी, बढ़ेगी नहीं। क्या आप ऐसी कंपनी या सिस्टम के अंदर हैं कि अगर कुछ हो जाए, अगर कुछ हो जाए तब भी आपकी फैमिली को वो पैसा आता रहे? क्या आप ऐसे, क्या उस कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है? क्या वो कंपनी प्रूवन है? यार हम कपड़े देखते हैं तो ब्रांडेड देखते हैं, घड़ी लेने जाते हैं तो ब्रांडेड देखते हैं, जूते लेने जाते हैं ब्रांडेड लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं ब्रांडेड देखते हैं। क्यों? छोटी छोटी चीज, मोबाइल जैसी चीज हम लेने जाते हैं तो ब्रांडेड देखते हैं। ब्रांडेड मींस व्हाट? ब्रांडेड मींस प्रूवन। क्या आप जिस कंपनी के अंदर है वो प्रूवन है भी या नहीं है? आपको ये प्रूव कर लेगी। आपको बता दूं, पिछले 23 साल का इतिहास उठा के देख लो, पिछले 23 साल का इतिहास उठा के बताता है हिंदुस्तान में, मैं अंग्रेजों की कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रोडक्ट महंगे और पे आउट कम दिए, हिंदुस्तान का 23 साल का इतिहास उठा के देख लो माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में 2% कंपनियां अपने 10 साल पूरे नहीं कर पाती। हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लो कि जितनी भी बाइनरी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके टॉप अचीवर उस कंपनी के अंदर नहीं है। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है। अगर पिछले 23 साल का इतिहास, या नेटवर्क मार्केटिंग पिछले साल शुरू नहीं हुई, 23 साल हो गए, अगर पिछले 23 सालों से हम नहीं सीखे नेटवर्क मार्केटिंग का, पास्ट नहीं देखा, तो शायद हमारी ये बहुत बड़ी नादानी होगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक ग्राफ दिखा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई, एक व्यक्ति ने शुरू करी, यहां पहुंचा, भाई साहब मैं 5 लाख कमा रहा हूं, 10 लाख कमा रहा हूं। अरे यार प्लान चेंज हो गया, अब चिंता मत करो दोबारा करेंगे। कंपनी चेंज हो गई या प्लान चेंज हो गया, ये धड़ाम से नीचे गिरा, फिर दोस्तों चिंता मत करो, फिर ये ऊपर पहुंचा। अगर आप मुझसे पूछो कि वेस्टीज में ऐसा क्या है, वेस्टीज में ऐसा भी, वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी क्यों है? कोई ना कोई कारण है। वेस्टीज हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी क्यों है जो इंडिया का टॉप अर्नर इसके अंदर है? कोई ना कोई कारण तो है। क्या प्लान है? नहीं। प्रोडक्ट्स है? नहीं। सिस्टम है? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। ऐसा फिर क्या है? मैं बताता हूं आपको, बहुत इंटेलिजेंट तरीके समझना पड़ेगा आपको। जितनी भी कंपनी आई वो ऊपर उठी, कभी प्लान चेंज हो गया तो वो नीचे गिर गई, कभी उनके फिर वो ऊपर उठे लीडर, फिर कंपनी भाग गई, फिर वो नीचे गिर गए, फिर वो ऊपर उठे, फिर ऐसा हो गया। अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, जो पिछले 20 सालों से भी चल रही है, अगर उनका मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ होता तो हिंदुस्तान के अंदर आज 1 करोड़ महीना कमाने वाला एक आदमी नहीं होता, कम से कम 10,000 से लेके 1 लाख लोग होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये नेटवर्कर की कोई गलती नहीं है इसमें, वो नेटवर्कर तो बेचारा लगा था अपनी मेहनत के हिसाब से, लेकिन कंपनी का प्लान चेंज होना, कंपनी का विजन ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, प्रोडक्ट्स का चेंज होना, प्रोडक्ट प्लान का चेंज होना, प्रोडक्ट्स का शॉर्ट होना, सर्विस का शॉर्ट होना, प्लान का बार बार बदलना, इतने सारे कारण रहे कि इस नेटवर्कर के साथ बार बार रेप हुआ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मोमेंटम ब्रेक हुआ, ये नेटवर्कर यहां था फिर यहीं है। वेस्टीज के अंदर ऐसा क्यों है कि अंधा आदमी लाखों रुपए कमा रहा है? ऐसा क्यों है 5 लाख रुपए महीना आदमी कमा रहा है जो अनपढ़ है? एक ही कारण है, सिर्फ कारण एक ही समझिए, वेस्टीज जब से शुरू हुई इसका प्लान कभी नहीं बदला, इसका मोमेंटम कभी डाउन नहीं हुआ, इसका मोमेंटम ऐसा ही रहा, बस दैट इज ऑल।
मैं आपको एक चीज बता दूं, 200 साल की हमारी लाइफ नहीं है। वेस्टीज इज अ प्रूवन कंपनी, वेस्टीज इज अ प्रूवन कंपनी। हमारा जिंदगी 200 साल की नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम 50 साल पहले ट्राई कर लें, उन कंपनियों में कर लें जो ये कह रही है, हम ये कर देंगे, हम वो, यार करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। पिछले 23 साल का इतिहास कह रहा है कि यार 2% कंपनियां भी नहीं कर पाई। अब वो 98 में आती है, 2 में आती है, मैं और आप कैसे सोच सकते हैं? आपके पास क्या इतना टाइम है, इतनी एनर्जी है आपके पास? 200 साल की अगर लाइफ होती है, हम कहते हैं चले यार 50 साल ट्राई कर लेते हैं, फिर जो अच्छी खराब होगी उसमें से एक चीज डिसाइड कर लेंगे, फिर 150 साल वो करेंगे। तो हमारी लाइफ 150-200 साल की नहीं है, आधी निकल गई, थोड़ी बहुत बची है, एक प्रूवन कंपनी हम कर लेते हैं। और इतना ही कहूंगा, वेस्टेज क्यों ना की जाए। हमारी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट, कोई व्यक्ति अगर ये मुझसे कहे हरी जी हमने 5 साल वो MLM करी थी, 10 साल वो करी थी और उसके बाद भाग गई, लेकिन हमने 50 लाख 1 करोड़ कमा लिया, हमारा क्या गया? मैं आपको बताता हूँ आपका क्या गया। आपके 3 से 5 साल गए, आपको नेटवर्क दोबारा बनाना पड़ा। 17 साल मैंने लगाए हैं, वो 17 साल का मैं दर्द अभी नहीं बता सकता। इतना कहूंगा और एंड करूंगा एक बात के साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने 3.5 साल पहले वेस्टीज से पहले नो डाउट बहुत पैसे कमाए, मर्सिडीज BMW सब कुछ लिया, लेकिन रात को ये कभी नींद नहीं आती थी, कभी लीडर भाग जाते थे, कभी प्लान चेंज हो जाता था, कभी प्रोडक्ट शॉर्ट होते थे, एक रिलैक्स नहीं था, सुकून नहीं था। मैं यकीन बताता हूं आपको, पैसे आप कई कंपनियों से कमा लेंगे, लेकिन पैसे के साथ अगर सुकून कमाना है तो मैं यकीनन बता सकता हूं, दिल की आवाज है मेरे, वेस्टीज से बड़ा प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स नहीं है। इट इज अ प्रूवन कंपनी और मैं आपको बहुत जल्दी हर हफ्ते 5-7 दिन के अंदर वीडियो लेके आऊंगा, कई कंफ्यूजन दूर करूंगा। कई लोगों का कंफ्यूजन है बाइक में पैसे ज्यादा होते हैं, जनरेशन कम होते हैं। मैं ये कहूंगा वेस्टीज लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में है क्या। लास्ट में एक ही 3 सवाल है, अगर वेस्टीज में प्लान में पैसे नहीं है तो इंडिया का टॉप अर्नर वेस्टीज में क्यों है? अगर वेस्टीज में कोई प्रॉब्लम है तो वेस्टीज इकलौती कंपनी क्यों है जो 20 देशों में लॉन्च हो रही है? अगर वेस्टीज में कोई प्रॉब्लम है तो वेस्टीज इकलौती कंपनी क्यों है जिसकी 99.99% लीडरशिप छोड़ के नहीं गई? अगर वेस्टीज में कोई प्रॉब्लम है तो इंडिया का टॉप अर्नर वेस्टीज में क्यों है? इंडिया की नंबर 1 कंपनी ये क्यों है? ये सोचने वाली बात है। और आज जाइए उन लीडर्स के साथ जो वेस्टीज कर रहे हैं, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए पूरी कहानी बताओ यार वेस्टीज की। और जो लोग जा रहे हैं चंदूचूरन, लोग चंदूचूरन कंपनियों में, तो मैं एक ही चीज जानता हूं, कुछ लोग विजनरी होते हैं, कुछ लोग नॉन विजनरी होते हैं। नॉन विजनरी लोग हर 6-6 महीने बाद कंपनियां चेंज करेंगे, वो कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, और विजनरी लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। वेस्टी इज अ प्रूवन कंपनी, अभी तो खेल शुरू हुआ है, 2020 के अंदर वेस्टीज हम बताएंगे कि हम क्या हैं, और जो हम बता भी चुके हैं कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी हैं। और चंदूचूरन कंपनियां 6-12 महीने में आती रहेंगी, 23 साल का इतिहास बताता है, 6-12 महीने उनका रोला आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर एक नई कंपनी आती है, फिर रोला आता है, फिर भाग जाती है, फिर तीसरी आती है, ये सिलसिला चलता रहेगा, चोर सिपाही का गेम चलता रहेगा। अगली बार मैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ बहुत जल्दी जानकारी आपके साथ लेके आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।